नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वेदिका सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। बिपिन रावत की मौत पर ना लगाएं अटकलें, गरिमा का रखे ख्याल। अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट कर कहा है कि जिस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS बिपिन रावत और अन्य 13 लोग शहीद हुए हैं उसकी जाँच की जा रही है। 8 दिसंबर को सेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोग शहीद हो गए हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह कामराज मार्ग स्थित आवास पर लाया गया है। इसके बाद से CDS निवास पर देश के शीर्ष नेताओं, अधिकारियों और राजनायकों का आना जारी है। दुर्घटना की पुष्टि होते ही CDS निवास के बाहर भारी भीड़ जमा है, जो कि जनरल रावत के अंतिम दर्शन करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सुबह जनरल रावत के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता CDS निवास में मौजूद हैं और जनरल रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।